इसको ऐसे ही बॉर्डर टांग दिया गया खाड़ा। ये भैंसी जो आप लोग देख रहे हैं 2 करोड़ का, यही है वैष्णो देवी का। सबसे बुरा मुझे सोनपुर में यही चीज लगता है कि मतलब पंडाल का उद्घाटन कर दो दुकान। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आज है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम लोग फिर से आ गए सोनपुर का एक न्यू ब्लॉग लेकर के, क्योंकि इससे पहले का तो आप लोग ब्लॉग देखे होंगे मेरा, जो सोनपुर मेला का जो अपडेट था वो सब दिखा था। लेकिन आज का ब्लॉग में आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो उद्घाटन तो 2 दिन पहले हो चुका है इस मेले का, लेकिन अभी हम लोग आए हैं कार्तिक पूर्णिमा का दिन, आए थे गंगा स्नान के दिन, जो गंगा स्नान आज से हो जाता है। मेला का उद्घाटन मतलब 2 दिन पहले हो चुका है, लेकिन आज हम लोग आ गए देखने के लिए आखिर तैयारी कितना तो पहुंचा। और झूला वगैरह तो है ना यहाँ, वही देखिएगा तो सिर्फ पंडाल का उद्घाटन हुआ है और कुछ नहीं है। मतलब फिलहाल देखिएगा तो लगभग ये सब पूरा उद्घाटन होने में लगभग मेला का जो ओरिजिनल मेला का उद्घाटन होता है लगभग 6-7 दिन, 5-6 दिन लग जाएगा अभी पूरा मेला का उद्घाटन होने में। और भीड़ देखिएगा तो यहाँ इतना ज्यादा है अभी, और हर सिर्फ भीड़ है, भीड़ के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। यही जगह पे किया गया था मेला का उद्घाटन, कार्यक्रम जो भी होता है यहीं पे किया जाता है। और अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, पूरा स्टेज सुना सुना पड़ा हुआ है। शाम में देखिएगा तो वही 6-7 बजे के आसपास शाम में होता है कुछ उद्घाटन। अब आगे चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं हैंडक्राफ्ट की तरफ, उसके बाद वैष्णो देवी का गुफा दिखाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे पूरा देखते हैं मेला का अपडेट। अभी फिलहाल अभी तक का क्या क्या अपडेट है और कितना मेला पूरा सज करके तैयार है, चलिए लेकर चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। पहले चलेंगे हैंडक्राफ्ट की तरफ में, हम लोग आ गए हैं हैंडक्राफ्ट की तरफ में, जहाँ पे हैंडक्राफ्ट मिलता है वो सब तरफ में दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे यही है का हैंडक्राफ्ट जो मिलता है। मेले का तो उद्घाटन हो गया, बट अभी तक देखिएगा तो यहाँ पे झूला वगैरह कोई भी चीज का उद्घाटन नहीं किया गया, सिर्फ 2 जो है पंडाल का उद्घाटन हुआ है और पूरा कोई भी चीज का उद्घाटन यहाँ पे नहीं हुआ। जैसे एक भी अभी आइएगा तो एक भी झूला वगैरह जो है कोई नहीं चालू हुआ है। जैसे यहाँ सिर्फ हैंडक्राफ्ट वाले जगह है, वहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा भीड़ दिखाई देगा, भीड़ तो ऐसे पूरा मेला में है, बट झूला वगैरह कोई एक भी झूला नहीं चालू है। पूरा मेला हम लोग घूमे हैं बट कहीं पे ये नहीं दिखा हम लोगों को, देखिएगा तो पूरा तैयार हो गया यार। तैयारी हो गया ठीक, अच्छी बात है, अगर उद्घाटन कर दिया गया अच्छी बात है, लेकिन पूरा एक साथ उद्घाटन हो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। मतलब वो हो गया, 2 दिन हो गया मेला का उद्घाटन, पंडाल का उद्घाटन 2 दिन हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे देखिएगा तो कोई भी झूला वगैरह दुकान वकान जो जितना वो सब किसी भी चीज का उद्घाटन नहीं किया गया है। बट क्या सोचते हैं हमारे समझ में नहीं आता, यहाँ बस यही है छोटा छोटा जो बच्चों को झूला है यही सब अभी है जो चल रहा है थोड़ा थोड़ा यही है। और उस तरफ में तो हम लोग मेला पूरा घूमे थे बट कहीं पे भी कोई भी चीज का उद्घाटन यहाँ पे अभी नहीं हुआ है। यही हैंडक्राफ्ट की तरफ थोड़ा थोड़ा यही देखिएगा तो यहाँ पे कुछ कुछ सामान है जो मिल रहा है अभी, बट झूला उला तो है ना वो सब कुछ नहीं है यहाँ पे, सारा कुछ अभी देखिएगा तो खाली ही है। बस यही था यहाँ का कुछ अपडेट है, आप लोगों को बताए थे कि हो जाएगा पर 2 दिन में, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन झूला भी देखिएगा तो अभी लगभग 6-7 दिन और लग जाएंगे सारा झूला चालू होने में। यही था यहाँ का कुछ अपडेट है अभी फिलहाल आप लोगों से, चलिए आगे चल के मिलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक क्या क्या है मेले में, फिर आप लोग वैष्णो देवी गुफा की तरफ लेकर के चलेंगे, वहाँ पे देखते हैं। यहाँ इस बार तो 4 चेयर वैष्णो देवी का गुफा बना हुआ है। हैंडक्राफ्ट घूम करके हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ में, ये गुफा के बाहर में देखिएगा तो कुछ काम जो है ना इसका बाकी, इसलिए देखिए पूरा यहाँ नीचे पड़ा हुआ है सामान सब रखा हुआ है यहाँ पे, और फिर काउंटर भी नहीं बनाया गया उस तरफ, जैसे काउंटर बनता था टिकट काउंटर वो सब भी नहीं बना है। फिर चलते हैं देखते हैं ऊपर चल के, ऐसे ही करके कुछ गुफा है पूरा, वरना उस दिन आए तो पूरा तैयार नहीं था, अभी देखिए तो पूरा रेडी हो गया है। अभी ये चालू तो नहीं हुआ है बट धीरे धीरे हो जाएगा, अभी काम कुछ चल ही रहा है यहाँ पे, कल चालू होगा ये, अभी तक नहीं हुआ है। फिर चलिए ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं, यहाँ पे काफ़ी तेज चल रहा है लेकिन कुछ काम जो है ना धीरे धीरे हो रहा है और पूरा चालू नहीं हुआ है। तो आप लोग आइए तो आज के बाद आइएगा, आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज के बाद आइएगा तो पूरा चालू हो जाएगा, बट अभी ये नहीं हुआ है चालू। तो यही था यहाँ का कुछ व्यू जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, अभी ये तो पूरा अभी चालू नहीं हुआ है। जैसे हम लोग तो आ गए हैं ऊपर, अभी थोड़ा सा परमिशन दे दिए भैया तो आ गए ऊपर। ये यहाँ से देखिएगा तो पूरा मंदिर दिखेगा आप लोगों को, और ये रहा यहाँ का कुछ व्यू, यहाँ से देखिएगा यहीं पे होते हैं वैष्णो देवी का, वैष्णो माता का ये बनाया जाता है गुफा, यहीं पे माता रानी रखाते हैं, माता रानी की प्रतिमा रहता है यहाँ पे। और यहाँ से आउटडोर है, बाहर की तरफ चलेंगे हम लोग, अभी इसका परमिशन नहीं मिला इसलिए अभी तक चालू नहीं हुआ ये, लेकिन हम लोग गए थे ऊपर तक घूम आगे। कार्तिक पूर्णिमा तो आज हो गया बट अभी तक देखिएगा तो मेला का कोई भी भाग चालू नहीं, जैसे झूला वगैरह ये सब तो सब चालू ही नहीं हुआ है। झूला तो कोई भी चीज मतलब कोई भी दुकान देखिएगा तो सही से नहीं चालू हुआ है अभी तो।
सिर्फ परमिशन दिया गया। गुफा देख लीजिए, दुकान देख लीजिए, कोई भी झूला अभी तक चालू नहीं हुआ। लगाओ ये सब चालू होने वाला 5-6 दिन लग जाएगा। ये काम कितना मुश्किल होता है ना, छोटे से बच्चे को देखिए रस्सी पे अपने पूरा फाइनेंस करके उसके बाद ये इधर से उधर कर रही है। ये भैंसी जो आप लोग देख रहे हैं 2 करोड़ का, बिलीव तो कोई नहीं करेगा बट रियल में 2 करोड़ का भैंस है। इतना लोग यहाँ देखने के लिए खड़े हैं, सब लगा हुआ है गाय बाजार। चलिए चलिए देखते हैं कौन कौन सा गाय है यहाँ, सभी प्रकार के नस्लों का गाय। कौन कौन गाय है भाई? यही गाय सब मिल रहा है, हर नस्ल का बकरी। चलिए देखते हैं बकरी आपको लोगों को दिखाते हैं, ऐसा कोई जानवर ही नहीं जो यहाँ नहीं मिलता। ऐसा कोई जानवर, हर जानवर देखिएगा तो यहाँ मिलेगा, बकरी बाजार, घोड़ा बाजार, गाय बाजार। 2 करोड़ का भैंसा। उधर वैष्णो देवी का गुफा, गाय बाजार, बकरी बाजार और सारा कुछ घूम के आ गए हम लोग। अभी घोड़ा बाजार में इधर सामने घूमने के लिए, पिछले बार भी तो यहाँ दिखाए थे, यहाँ का वीडियो बहुत अच्छा चला था, इससे पिछले का वीडियो था 100। और अभी हम लोग आए गए फिर से घोड़ा बाजार में घूमने के लिए। कहा हुई थी वो यहाँ कि सोनपुर मेला में कुछ नहीं है, लोग को इधर आकर एक बार घुमाना चाहिए, घूमना चाहिए इस तरफ में। लोगों को घोड़ा बाजार भी घुमा दिए हैं। अरे खरगोश वाला बंद है ना आज, नहीं जो वहाँ पर डॉग बाजार ये सब बंद है, 1-2 दिन बाद खुल जाएगा। यही सब है फिलहाल, मेला लगभग 2-3 दिनों के बाद जो है ना पूरा लग जाएगा। इसके अंदर क्या बिक रहा है आज? अच्छा इसमें भी गाय बाजार का है यो। इसी के अंदर जो भैंसा है ना, वो भैंसा 2 करोड़ का, 2 करोड़ का कैसा है देखें। तेल में देखते हैं कौन सा कैसा है जो 2 करोड़ का है। पूरा मेला में यूनिक है कुछ। झूला दिखाए थे, वो झूला को इस डिजाइन में तैयार किया गया है। ये झूला चलेगा, फर्स्ट टाइम है ये वाला झूला हम देख रहे हैं। अभी इतना मेला में घूमे लेकिन अभी तक ये वाला झूला नहीं देखे। ये राउंड राउंड घूमता है या फिर कैसे घूमता है पता नहीं। अभी तो ओपन हुआ नहीं, ओपन होगा तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये इसका देखिएगा तो पूरा 1, 2, 4, 1 में 4 चेयर, 4 में मतलब 8, 32 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं। और ये ओपन हुआ नहीं जो आप लोगों को दिखाए, घूम नहीं रहा है। ये देखिएगा तो पूरा इसका कुछ कुछ जो है सारा चेयर तो काम ही चल ही रहा है। मेला में वैष्णो देवी का गुफा 4 चेयर है। उधर वाला तो था, दो वाला तो ओपन है लेकिन ये सब जो है अभी ओपन नहीं हुआ है। मतलब वो भी ओपन नहीं था लेकिन हम लोग चले गए थे वीडियो शूट के लिए चले गए थे। लेकिन ये वाला भी है, इधर सामने देखिएगा तो ये झूला। और ये रहा वैष्णो देवी का गुफा, पर बैठी पड़ी है, यही है वैष्णो देवी का। भाई हम लोग मेला घूम करके और पूरा गंगा स्नान जो था वो सब करके उसके बाद हम लोग आ गए। अभी यहाँ से जाना पड़ा है पैदल क्योंकि गाड़ी वगैरह चल नहीं रहा है, आना भी पड़ा था पैदल। इतना ज्यादा यहाँ पे भीड़ है, सारा लोग देखिएगा तो पैदल ही सब जा रहा है, जितना भी लोग ऐसा पैदल ही जा रहे हैं। हम लोग को भी पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी बंद कर दिया गया है, भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाता है इसलिए बंद कर दिया गया है। अरे ये हमारे गंगा मैया का पुल जिससे हम लोग जा रहे हैं अभी मेला की तरफ, मतलब मेला से घूम करके उस तरफ अपने घर की तरफ में। अब देखूँ तो अभी मेला का थिएटर वगैरह कोई भी चीज़ अभी चालू नहीं हुआ है क्योंकि लगभग 4 से 5 थिएटर लगता है, 4 से 5 थिएटर में एक भी थिएटर अभी चालू नहीं हुआ है, झूला एक भी चालू नहीं हुआ है। मतलब दुकान भी देखिएगा तो कुछ कुछ दुकान अभी लगी, बहुत सारा दुकान मतलब एक भी दुकान लगभग चालू नहीं हुआ थी क्योंकि भीड़ था कार्तिक पूर्णिमा था। तो यहाँ तो एक परेशानी ये भी है ना कि 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे जो जगह होता है वो जो रूम दिया जाता है जमीन का बात चलता है। यहाँ पंडाल वगैरह तैयार हो जाता है, मतलब उद्घाटन के बाद 4 से 5 दिन उद्घाटन से जो पंडाल का उद्घाटन होता है, पंडाल के उद्घाटन से 4 से 5 दिन पहले यहाँ पे जो जमीन का डिसाइड होता है, यहाँ ये जमीन में ये पंडाल लगाना है, ये दुकान लगाना है, वो तो 4 से 5 दिन में इतना जल्दी तैयार होगा कैसे? पूरा थिएटर वगैरह ये सब रेट क्लियर किया ही नहीं जाता है पहले, नहीं तो आज के दिन में दुकान वाले लोगों का अच्छा खासा बिक्री होता, तो अभी तक तैयारी ही चल रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा था तो पूर्णिमा का दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होता है, भीड़ होता है तो निश्चित है कि यहाँ पे दुकान वाले लोगों का कुछ इनकम होता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता है। यही तो परेशानी है हमारे बिहार का, हर साल यही होता है। और उद्घाटन करने के लिए देखिएगा तो लगभग कुछ सालों से जो है उप मुख्यमंत्री जी आते हैं, और नालंदा की तरफ में देखते हैं अगर छोटा सा ही प्रोजेक्ट होता है तो उसका उद्घाटन करने के लिए खुद नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री वो पहुँचते हैं। लेकिन हमारे सोनपुर मेला का उद्घाटन करने के लिए कभी उन्होंने लगभग मुझे जहाँ तक पता है कि लोग 6-7 सालों से यहाँ अभी सोनपुर में कभी नहीं आते उद्घाटन के लिए।
और नालंदा में जब भी कुछ होता है तो वहाँ पे खुद चले जाते हैं उद्घाटन के लिए, क्योंकि एशिया का प्रसिद्ध मेला तो आना चाहिए था ना। उद्घाटन पिछले बार भी आए थे तेजस्वी यादव आए थे, इस बार भी आए थे तो सम्राट चौधरी। लेकिन सबसे बुरा मुझे सोनपुर मेला में यही चीज लगता है कि मतलब पंडाल का उद्घाटन कर दो, दुकान लगे या नहीं लगे कोई भी चीज, मतलब ऐसा हो गया है ना मेला का हाल कुछ, मतलब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि कुछ दिनों के बाद मेला पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन हो गया है मेला का कुछ। क्योंकि उद्घाटन तो हो जाता है पंडाल का उद्घाटन, मतलब हो जाता है पंडाल का उद्घाटन होने के मतलब 6-7 दिनों के बाद होता है पूरे मेला का उद्घाटन होता है। एक साथ हो जाता तो कितना बढ़िया होता, जैसे आज कार्तिक पूर्णिमा था, आज के दिन उद्घाटन होता तो बहुत अच्छा होता, सारा दुकान का उद्घाटन होता तो बहुत बढ़िया लगता। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं और ये सामने